नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालिसिस कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फिंगर के लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को थोड़े जल्दबाजी और हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। इसके अंतर्गत इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम होता है, क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाह ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स के ऊपर बहुत जल्दी काम करने लगते हैं। यहाँ देखेंगे तो कभी किसी के अंडर में कंफर्टेबल वर्क नहीं कर पाते, क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स अथवा मन मुताबिक काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। वहीं जो आपकी लिटिल फिंगर है, उसकी लेंथ भी यहाँ पर थोड़ी सी शॉर्ट है, तो इस कंडीशन में जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा अफेक्टेड रहता है, जिसका कारण स्ट्रेंजर अथवा अपोजिट जेंडर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट होना, मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी युति थोड़ी सी बनती है। और इस कंडीशन में अगर आप एक समय पर एक से ज़्यादा काम अपने हाथ में लेंगे, तो आपके हर काम में फिर देरी, अड़चन, बाधा आने लगेगा, क्योंकि लिटिल फिंगर आपके पंचुअलिटी और मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और जब ये थोड़ी बहुत भी शॉर्ट देखने को मिले, तो बहुत जल्दी काम में जो है एक प्रकार से बदलाव देखने वाले योग बनते हैं। इसलिए जब तक एक काम पूरा ना हो जाए, तब तक दूसरा काम हाथ में ना लें, ताकि हर काम सही ढंग से सही समय पर हो सके। यहाँ थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लिए दोनों की तकरीबन सेम है, ये एक रिसर्चिंग नेचर देता है। और आपके हथेली में सीमियन लाइन का फॉर्मेशन भी है। यह सीमियन लाइन का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा फोकस रहना अपने काम के प्रति, हर बात के जड़ तक जाना, और ये रेगुलर वर्किंग हैबिट देता है। इसका मतलब खाली बैठना आप जैसे जातकों को पसंद नहीं होता है, यही रीज़न है। कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। जुपिटर आपका जो है वो कुल मिला करके ठीक यहाँ पर रिस्पॉन्स कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में कभी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से आप अपने जीवन में पीछे नहीं हटे, और इनफैक्ट बहुत कम उम्र से आपके ऊपर जिम्मेदारी आई है। और सूर्य का क्षेत्र भी, यानी सूर्य की जो उंगली है वो भी विकसित ठीक है, तो ये सेल्फ मेड पर्सनैलिटी को दर्शाता है। यानी जो भी कुछ अपने जीवन में आप कर पाए हैं, बन पाएंगे, सब अत्यधिक खुद के मेहनत और खुद के द्वारा किए गए प्रयत्न अथवा प्रयासों से कर पाएंगे। यहाँ फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो मित्रतापूर्वक स्वभाव को दर्शाती है। वहीं यहाँ की जो आड़ी रेखाएं देख रहे हैं आप, यही रिश्तों में होने वाले अनबन, मतभेद, दूरियों को दर्शाता है। अब ऐसा क्यों होता है कि आपके रिलेशन टूटते हैं, इस विषय में भी हम आगे चर्चा रखेंगे। बाकी फिंगर के बीच में जो ये गैप मेंटेन हो रहा है, थोड़ा अधिक खर्चीलापन भी देता है। यहाँ देखेंगे तो फिंगर के जो नोट्स हैं वो डेवलप ठीक ढंग से नहीं है, जिसके कारण ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग माइंडसेट देता है, डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाते हैं, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है डिसीजन लेने में। फैलेंजेस आपका डेवलप ठीक है। अभी क्या है कि आपका जो इंटरनल मार्स है, ये इंटरनल मार्स हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को दर्शाता है, स्टेमिना, एनर्जी को यहाँ दर्शाता है, तो ये जब थोड़ा वीक देखने को मिले, तो इस कंडीशन में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ, परेशानी आती है। और इसका, इस जो पर्वत है, इसका कम ज़्यादा जीवन भर लगा रहता है। अभी जैसे स्वास्थ्य हानि आपको देखने को मिल रहा है, तो ये पर्वत कम है। इसके लिए सिर्फ यही हस्तरेखा में उपाय कहा जाता है कि एक तो अपने खान पान के ऊपर आपको ध्यान देना है, दिनचर्या के ऊपर ध्यान देना है, और एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, इसको अपने लाइफ में एक तो ऐड करना है, ताकि आपको जो है हेल्थ के रिगार्डिंग मेजरली कोई भी ऐसी तकलीफ नहीं आए। यहाँ आपके थंब के ऊपर देखेंगे तो थंब का जो साइज है वो यहाँ पर आपका बिल्कुल नॉर्मल है। तो टू द पॉइंट बात करना, स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होना, ये आपका बेसिकली नेचर है। जो दिल में है वो मुंह पे है, लेकिन कई मरतबा थोड़ा सा हिचकिचाहट होने के कारण पूरी मन की बात नहीं कह पाते सही ढंग से। और आपका जो नेचर है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल है, इसका मतलब ये है कि जैसा समय परिस्थिति रहेगा उसके अनुसार आप ढल जाने में सक्षम रहेंगे। वहीं यहाँ पर जो आपकी आड़ी रेखा है फर्स्ट फैलेंज पे, तो इस कंडीशन में ये यहाँ पर आपको धनवान भी बनाएगा, जीवन में धन की स्थिति पर्याप्त मात्रा में देगा। इस प्रकार का फॉर्मेशन जीवन में धन का में कोई भी कमी नहीं देता है। पाम का जो आपका साइज है, ये पाम का साइज आपके लंबाई चौड़ाई दोनों में अच्छा है, और इस कंडीशन में आप जैसे जातक बहुत ज्यादा मेहनत भी होते हैं और बहुत बड़ी सोच रखने वाले भी जीवन के प्रति देखने को मिलते हैं। यहाँ देखेंगे तो ऊपर के क्षेत्र के कंपेरिजन में नीचे का जो क्षेत्र है आपका, वो ज्यादा विकसित है, तो इस कंडीशन में अपने मन मुताबिक काम करना ज्यादा पसंद करते हैं। आप जैसे जातक सुन सबके लेंगे, लेकिन अंततः करेंगे अपने मन की। और आपके हथेली में मून लक लाइन भी है। मून लक लाइन यही दर्शाता है कि मन के द्वारा अत्यधिक काम आप अपने जीवन में कर पाने में सक्षम रहेंगे। साथ ही यह भी दर्शा रहा है कि आपको बाहरी दुनिया, लोगों का समय समय पर सहयोग भी मिलेगा। लेकिन वही बात है कि आपका फिंगर यह दर्शा रहा है कि पहले आपको खुद इनिशिएटिव लेना होगा, यानी मेहनत करना होगा, तब जाकर के आपको बाहरी दुनिया, लोगों का भी सपोर्ट मिलेगा। इस कंडीशन में मदर सपोर्ट भी अच्छा मिलता है, जन्म स्थान से दूर ग्रोथ होता है, और इस कंडीशन में मैरिज के बाद भी जीवन में खुशहाली बहुत ज़्यादा बढ़ती है।
अभी बात करें जुपिटर के बारे में, तो ये जो जुपिटर है ये आपका कारक है वैवाहिक जीवन का, दांपत्य और सांसारिक जीवन का। तो यहाँ पर ये क्षेत्र बिल्कुल नॉर्मल विकसित है। तो इस कंडीशन में कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप जैसे जातक हमेशा कुछ ना कुछ ज्ञान अर्जित करने वाले देखने को मिलते हैं। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि एक तो लाइफ लाइन से प्रोग्रेस लाइन आपकी निकली है और माइंड लाइन का भी हल्का हल्का कनेक्शन है। तो इसमें कुछ ना कुछ सीखते रहना, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना और प्रयत्नशील रहना, जिसके कारण कभी भी हार ना मानना। इसीलिए आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लग्जरीज है ये दिन प्रतिदिन बढ़ते रहते हुए देखने को मिल रहा है उम्र तकरीबन 21 के बाद से। और यहाँ की जो हल्की हल्की आड़ी रेखा ये आपको धार्मिक बनाएगी, जिसके कारण तमाम तरह के धर्म ग्रंथ विद्या के प्रति आपकी रुचि भी बढ़ेगी और ये दयालु किस्म का नेचर भी देता है, जिसके अंतर्गत दूसरों का दुख दर्द समझना, खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, ये भी बेसिक नेचर में आता है। यहाँ पर देखेंगे आपके शनि के क्षेत्र के बारे में, तो यहाँ देख सकते हैं कि आपके शनि पर एक तो आड़ी रेखा भी है और ऊपर से ये जो लाइनें सब जा रही हैं ये आपकी यहाँ पर, ये सब आपकी सहयोगी हृदय रेखा है। इस कंडीशन में मूड स्विंग का बहुत प्रॉब्लम होता है। मूड स्विंग का प्रॉब्लम का मतलब ये हुआ कि विचारों में और जो इमोशन फीलिंग होते हैं स्वभाव में, इसमें निरंतर परिवर्तन देखने को मिलता है। कभी बहुत ज़्यादा सीरियस रहेंगे, कभी हंसमुख मजाकिया किस्म का नेचर रहेगा, कभी बातों को हल्के में लेंगे, कभी बातों को सीरियस में लेंगे। तो कब किस बात का बुरा लग जाए, कब किस बात पे ओवर रिएक्ट कर दें, कोई भी व्यक्ति जज नहीं कर सकता है। और शनि पर ऐसी आड़ी रेखा रिश्ते खराब करती है। जब तक शनि के उपाय नहीं किया जाए तब तक भाग्य में भी अवरोधक बना रहता है, जिसके कारण कई मर्तबा मुंह के पास निवाला आते आते रहता है। क्योंकि क्या हो रहा है कि आपका जो भाग्य रेखा है वो पर्याप्त मात्रा में शनि तक पहुंच रहा है, लेकिन शनि पर आकर के ही सहयोगी यहाँ पर आपकी हृदय रेखा काट रही है, जिसके कारण कई मर्तबा आपका ही ध्यान एक काम से हटकर दूसरे किसी काम पर चल जाता है। तो काम जो है आधे अधूरे रहते हैं। इस कंडीशन में कोई भी काम शुरू तो हो जाता है लेकिन प्रॉपर एंडिंग फिर नहीं हो पाता है। और कई मर्तबा ये भी देखने को मिलता है कि सब चीज़ सही चल रहा है लेकिन संतुष्टि नहीं मिलता है किसी काम से। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि शनि पर इतनी आड़ी रेखा है। तो इसका रेमेडी आपको करना होगा और स्वास्थ्य हानि भी तकरीबन यही आपको दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी हार्ट लाइन चल रही है, ये हार्ट लाइन और माइंड लाइन दोनों एक ही है ये सीमेल लाइन के अंतर्गत, तो यहाँ पर ये डबल लाइन में शुरू होने लग गया है। हालांकि आपके हथेली में सबसे अच्छी बात यह है कि आपके हथेली में गार्जियन एंजल लाइन चल रही है, जिसे हम देवदूत रेखा कहते हैं। तो इस कंडीशन में हमेशा कोई ना कोई हेल्प करने वाला जीवन में रहता है, जिससे दुख दर्द कम होता है और जो इच्छा मनोकामना है वो भी पूर्ण होती है। तो जैसे अभी 40 का उम्र है तो ये सहयोगी रेखा भी है और ऊपर से यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा पर भी चर्चा करें तो भाग्य रेखा की स्थिति भी आपकी हथेली में ठीक है। और जो मरकरी लाइन है, ये मरकरी लाइन होती है, ये आपके स्वास्थ्य को सुधारने के लिए होती है और ये व्यापार रेखा भी इसे कहते हैं, जो व्यापार के द्वारा लाभ के योगों को दर्शाता है। तो इसकी स्थिति भी अभी सामान्य है, तो आपके जो है स्वास्थ्य सुधारने के पूरे योग हैं। लेकिन बस यही है कि अभी आपको अपने इंटरनल मार्स के ऊपर काम करते रहना है ताकि फ्यूचर में भी कभी दिक्कत आपको ना आए, और शनि पर भी काम करना ताकि भाग्य मजबूत हो सके, समय पर सारे काम हो सके और ये जो मूड स्विंग जैसे इश्यूज हैं ये फिर नहीं हो। बीच में जो ये रेखा देख रहे हैं इसे विद्या रेखा कहते हैं। इस कंडीशन में ज्ञान जो अर्जित करते हैं आप जैसे जातक, वो दूसरों के काम बहुत आता है, इसलिए किसी को गाइड एडवाइस या सजेशन देंगे और सामने वाला अगर उस बात को मान गया तो निश्चित रूप से उसको उनको फायदा हो जाएगा। सूर्य की स्थिति में भी यही दिक्कत आ गया कि जैसे मूड स्विंग का प्रॉब्लम होता है तो क्या होता है कि काम बीच में ही छूटते हैं, इसीलिए सूर्य की जो रेखाएं हैं वो भी कंप्लीट नहीं। अब सूर्य की ऐसी आधी अधूरी रेखाएं होती हैं तो इस कंडीशन में मेहनत बहुत होती है। आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा प्रयत्नशील भी होते हैं, किसी भी प्रकार के एक प्रकार से डेडिकेशन जिसे हम कहते हैं उसमें कोई कमी नहीं रहता, लेकिन ये सूर्य इतना अभी सक्षम नहीं है कि पूरा आपको मान सम्मान इज्जत शोहरत जैसी चीज़ें दे सके। तो इस कंडीशन में बस यहाँ दिक्कत यही रहता है कि मेहनत आप करते हैं, क्रेडिट कोई और ले जाता है और किसी भी काम में संतुष्टि भी इस कंडीशन में नहीं मिलता। इसीलिए एक से अत्यधिक रेखा जो दर्शा रही है कि आप एक समय पर एक से ज़्यादा काम करने के आदि भी हैं आप। यहाँ पर एक अच्छी बात ये देखने को मिली कि एक शाखा यहाँ से निकल के बुध और सूर्य के बीच में जा रही है जो प्रॉपर्टी देती है, तो प्रॉपर्टी के लिए साइन अच्छा है, लेकिन सूर्य का स्ट्रोंग होना जीवन में बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तभी पूर्ण रूप से सफलता जीवन में देखने को मिलती है। वहीं यहाँ पर बात करें मरकरी माउंट के बारे में, जो आपका व्यापार को इंडिकेट करता है, आपकी बोली को दर्शाता है, अब इसके ऊपर क्या हो गया कि जो रेखा थी उसके ऊपर एक आड़ी रेखा आ गई, तो कई मर्तबा थोड़ा ये कटु वचन बोलवा देता है। आपका इंटेंशन बहुत ख़राब होता नहीं है लेकिन बातें ऐसी निकल जाती है जिससे सामने वाला कहीं ना कहीं हर्ट भी हो सकता है। तो इस कंडीशन में थोड़ा सा जो है अपने बोलचाल के ऊपर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। मीठी बोली का जितना हो सके सदुपयोग करेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। और वैसे भी शनि का आप उपाय करिए
तो भी आपको जो है तकरीबन कभी बोल चाल जैसी चीजों में या व्यापारिक गुण में किसी प्रकार से तकलीफ नहीं आएगा। अब यहाँ समझना ये जरूरी है कि सीमेन लाइन क्या होता है। सीमेन लाइन वो होता है जिसमें माइंड लाइन और लाइफ लाइन, माफ करें, माइंड लाइन और हार्ट लाइन, यानी आपकी स्वास्थ्य रेखा और मस्तिष्क रेखा, ये दोनों एकदम मिल जाती है। तो इस कंडीशन में व्यक्ति का दिल और दिमाग एक हो जाता है, और ऐसे जाता है फिर रिसर्च में जाते हैं, अन्यथा बहुत बड़े इतिहासकार बनते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं, इन्वेंशंस करते हैं, यानी कहीं ना कहीं हर बात के जड़ तक जाते रहना, डिटेल्ड एनालिटिकल नेचर होना, ये पूरा का पूरा सीमेन लाइन दर्शाता है। लेकिन आपके कंडीशन में सीमेन लाइन है और फिर सहयोगी हृदय रेखा भी आ गई है, तो इस कारण से कई मरतबा कॉन्फ्लिक्ट यानी एक प्रकार से दिक्कत आ जाती है कि दिल की सुने कि दिमाग की सुने। तो ये जो सहयोगी हृदय रेखा, ये कहती है कि दिल की सुनिए, इमोशंस फीलिंग्स पे काम करिए, और जो सीमेन लाइन है वो आपको काम के प्रति एकाग्र रखता है। तो इस कंडीशन में जो फैमिली लाइफ है उससे उसमें भी ज्यादा सुख फिर नहीं मिल पाता। तो इसीलिए ये जो है हम शनि का ही उपाय करेंगे, क्योंकि शनि पर ही आकर के रेखाएं बहुत ज्यादा काट पीट रही हैं, आड़ी रेखाएं ज्यादा हैं, आड़ी रेखा होना इस क्षेत्र पे अच्छा नहीं होता है, बने बनाए काम फिर बिगड़ते हैं, तो इसलिए ये चीज ना हो, इसलिए इसका तो उपाय करना ही है। और एक चीज और आप कर सकते हैं, वो है मेडिटेशन या धार्मिक रहना। धार्मिक रहना के अंतर्गत पूजा पाठ करना और एक प्रकार से धर्म कर्म का पालन करना, मंदिर जाने का भी एक रूल है, वो भी आप कर सकते हैं। मतलब कुछ भी धर्म के अंतर्गत कोई भी अपने जीवन में प्रिंसिपल अप्लाई करिए, उससे आपको लाभ मिलेगा। अगर स्वास्थ्य के विषय में ध्यान किया जाए तो देखिए अभी हेल्थ के बारे में थोड़ा सा नेगेटिव और यहाँ पर इंडिकेशन आ रहा है, क्योंकि अभी तो 40 की एज है और ये जब रेखाएं सीधी डबल में होकर के चलती है, बिखर के चलती है, तो स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। हालांकि अगर वहीं हम देखें तो आपकी लाइफ लाइन का फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है। तो बस यही आपको ध्यान रखना है कि आपके स्वास्थ्य में पूर्णतः सुधार हो जाएगा। यहाँ एक छोटा सा आइलैंड भी है, लेकिन उसके बाद मरकरी की स्थिति भी अच्छी है, जिसके कारण व्यापार में भी उन्नति के योग है, स्वास्थ्य में भी बहुत अत्यधिक सुधार के योग है। थोड़ा सा आपको ध्यान क्या देना है, अंदरूनी मंगल पे काम करना है, बाकी इसके अलावा कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। आप जैसे जातक जो है एक प्रकार से प्रैक्टिकल नेचर के होते हैं, लेकिन ये सपोर्टिव हार्ट लाइन थोड़ा आपको इमोशनल नेचर भी बना रही है, तो इस कंडीशन में दूसरों पर ट्रस्ट भी जल्दी कर लेना, एक्सपेक्टेशन दूसरों से ज्यादा होने लगना, वैसे ही फिर होने लग जाते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो मंगल की भूमिका पहले भी थोड़ा तकलीफ दी है, क्योंकि ये जितनी भी रेखाएं आप देख पा रहे हैं, ये सब आपकी एक प्रकार से संघर्ष रेखा है, ये सब आपको तनाव देने के लिए ही आई है। तो ये क्या करती है, ये स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत देती है, घरेलू तकलीफ परेशानी बहुत ज्यादा दे देती है, काम ना बन पाना, धन हानि होने जैसे योग बनते हैं। लेकिन आपके हथेली में सबसे अच्छी बात यही है कि सहयोगी रेखा है। तो ये सहयोगी रेखा का काम क्या रहता है कि इस कंडीशन में कोई स्ट्रेंजर, अननोन पर्सन से भी हेल्प मिल जाता है, तो ये योग भी यहाँ पर देखने को बहुत अच्छा मिलता है। और ये सहयोग आपको उम्र तकरीबन 26 से मिलना प्रारंभ हुआ। आपका यहाँ पर देखेंगे बारीकी से जो प्रोग्रेस लाइन है, उसके बाद एक छोटा सा गैप हुआ, फिर यहाँ पर पूरी फेल करके आपकी लाइफ लाइन चली, जो वापस से हेल्थ रिगार्डिंग दिक्कत दर्शा रही है। उम्र यही तकरीबन 26 से लेकर के 31-32 तक, लेकिन सहयोग मिलने लग गया, उसके बाद से कंडीशन सुधरने लग गई, फिर यहाँ पर वापस से फॉर्मेशन ठीक जा रहा है, अब जो है प्रोग्रेस लाइन निकलना प्रारंभ हो रही है। इसका अगर उम्र देखेंगे तो ये 41 और 42 है, और सेकंड लाइन का उम्र हो जाएगा 46 और 8 के बीच में, और फिर उसके बाद वापिस 50 के ऊपर भी आपकी जो है उम्र के ऊपर भी आपकी मरकरी लाइन निकल रही है। मतलब उस समय भी कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई नया काम करेंगे या व्यापार में ग्रोथ होने के पूरे चांसेस रहेंगे। आप थोड़ा सा एग्रेशन से बचिएगा, आपका एग्रेशन खराब है, जल्दबाजी हड़बड़ी में निर्णय लेने से भी बचिएगा। बाहरी मंगल विकसित ठीक है, तो इस कारण से मानसिक रूप से बहुत बलवान है, कभी किसी विपरीत परिस्थिति व्यक्ति या लोगों से कभी हार नहीं मानेंगे आप। शुक्र की स्थिति अपने आप में पर्याप्त है, ऐसा शुक्र शौकीन किस्म का नेचर देता है, थोड़ी कामुकता भी ज्यादा देता है। इस कंडीशन में तमाम तरह की लग्जरीज लाइफ का एंजॉय कर पाते हैं, जैसे अच्छा रहन सहन, अच्छा खान पान, अच्छी दिनचर्या, ऐशो आराम भरी जिंदगी व्यतीत होते हुए देखने को मिलता है। और यहाँ की जो आड़ी रेखाएं हैं, थोड़ा जो है अनावश्यक चिंताएं देती है, जो ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग अथवा फैमिली प्रेशर के द्वारा आता है। लेकिन सीधी खड़ी रेखा इस बात का भी प्रमाण है कि जीवन ने बहुत अवसर दिए हैं और आगे खूब अवसर देगी कि आप अपने जीवन शैली को सुधार सकें, जिसके अंतर्गत लग्जरियस लाइफ का बढ़ना, रॉयल्टी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ना, वैसे योग फिर बनते हैं। तो ये शुक्र ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा रिस्पॉन्स तो कर रहा है, लेकिन बहुत अधिक खर्चीलापन दे रहा है। तो इस कंडीशन में पैसा आएगा और रुकेगा नहीं, इसलिए हमेशा इन्वेस्टमेंट करते रहें, पैसा फंसाते रहें, ताकि उस पैसे का सदुपयोग होते देखने को आपको मिले।
केतु की स्थिति सामान्य है, बायफोर्क के साइन होना अच्छे होते क्योंकि यात्राओं को सौभाग्य देते हैं, लंबी आयु का निर्माण करते हैं। चंद्र के ऊपर भी आड़ी रेखा है, मन भटकाती है, बेचैनी देती है और थोड़ा सा घबराहट भी, जिसे हम अनावश्यक चिंताएं कहते हैं, वो देखने को मिलता है। यहाँ पर आपकी आड़ी रेखा के ही द्वारा एक ट्रेंगल का साइन बन गया है, तो अगर आप चाहें तो अपने जन्म स्थान से दूर जा करके उन्नति करने के अंतर्गत प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक स्क्वायर का साइन है, तो ये भी प्रॉपर्टी ही दिलाता है और ये सब व्यापार के द्वारा ही ग्रोथ देखने को मिलता है। आड़ी रेखा जब ऐसी होती है तो मन काबू नहीं रहता, मन बहुत जल्दी विचलित होने वाला रहता है, तो मन के विपरीत भी काम करते हुए पाए जाते हैं आप। ओवरऑल देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी तकलीफ या परेशानी आपके हथेली में अभी भी नहीं है, बस जो बेसिक जड़ है वो आ रहा है आपकी सहयोगी हृदय रेखा से और शनि से। इसका आप उपाय करिए, आपको ऑटोमेटिकली हर चीज से जो है लाभ देखने को मिलेगा अपने जीवन में। अब जैसे लेफ्ट पाम में देखेंगे तो यहाँ तो सपोर्टिव हार्ट लाइन है ही नहीं, लेकिन तब भी जो आपकी यहाँ पर सीमेन लाइन है उसमें आप देखेंगे बारीकी से तो एक ब्रेक हुआ है और यहाँ पर हल्की हल्की सी रेखा नीचे आ रही है। तो इस कंडीशन में गलत लोगों पर ट्रस्ट करना या स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी तकलीफ परेशानी निरंतर चलते रहना, ऐसे योग बनते रहते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके बिल्कुल बीच में यहाँ पर हल्का सा जो है स्टार का चिन्ह देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो ये जो क्षेत्र है ये आपके राहु के अंतर्गत आता है और राहु अचानक से जीवन में उन्नति दे देता है। तो जीवन में आपके जितने भी संघर्ष रहे हैं वो सब आपके जीवन को और ज्यादा सुधारने और आपको मानसिक रूप से मजबूत करने या और आपका लाभ करने के लिए ही आया। तो इसलिए राहु सड़न आपको ग्रोथ देगा और ये तकरीबन आपको 40 से 45 के एज के बीच में ही मिलने वाला है। इसका एज का कोई निर्धारण नहीं होता, लेकिन अप्रोक्सीमेटली जो एज है ये तकरीबन 40 के बाद ही आपको लाभ निश्चित रूप से देगा, क्योंकि आपका भाग्य रेखा भी बहुत मजबूत स्थिति में जा रहा है, सूर्य भी मजबूत जा रहा है और सूर्य प्रॉपर्टी देने वाला बन रहा है। तो इसीलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना है और जो उपाय दिए जाएंगे उसको फॉलो करते रहना है। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।